और ये बताओ पाकिस्तान हमारा तो सबसे ऊपर है, हम और हम जिंदाबाद कहना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं भी कहता हूँ, आप भी बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद इसे बोल दिया इन्होंने भी, मैंने भी बोल दिया। आपका गुस्सा थोड़ा सा आपको ठंडा करते हैं। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके। पूरा मुजाहिदीन वहाँ जाते हैं, उनकी खातर लड़ते हैं। और तो ये बेहतर बात है, मुजाहिदीन वहाँ जाकर लड़ते हैं। मेरे भाई वहाँ जाके तो उनको तंग किया जाता है, तो वहाँ लड़ना जहाद बनता है मुसलमान का, हक बनता है मुसलमान का। 75 साल में कश्मीर के लोगों के लिए हमने क्या किया? खून भी देंगे, खून की जरूरत है तो हम खून भी देंगे। यहाँ पे कुछ इनसे संभाला ही नहीं जाता, तो हम कैसे इन पे यकीन कर ले? जब इनसे GHQ नहीं संभाला गया, ठीक है आर्मी सेंटर जिना वो नहीं संभाला गया, तो फिर आइटम बम भी कैसे संभाल सकते हैं? जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई एक बड़ी मजेदार वीडियो देखने वाले हैं। एक यानी कि भाई जो 1947 के मॉडल थे और आज के जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या सोच है, क्या मेंटेलिटी है, आप लोग वो देखने वाले हैं। तो वीडियो समय जायज रह करते हुए शुरू करते हैं। उसने बोला कि आप कहां से बिलोंग करते हो? उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उसे आजाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। ये कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहां भी? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी बेसिकली। मुझे ये बताएं चाइना क्यों नहीं हमें जॉब प्रोवाइड कर देता? क्या मतलब हमारे यहाँ पे आके एक गरीब कंट्री में, एक वो कंट्री जो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, खबरें आती हैं, वहां पे आके चाइनीज अपना काम कर रहे हैं। इसको बार बार ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही बताओ? है जितना आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। आपको 85% लोग समझते, 85% चांसेस कुछ लोग कहते हैं कि हैं आप डिफॉल्ट करने, 75 था एक कुछ दिन पहले, अब 85 हो गया। और जितना ये उठ के कहता है कि हम नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं वो करेंगे। एक पाकिस्तान का अगले 6 माह में दिवालिया होने का खतरा टल गया है। यार देखो ये 6 माह भी गुजर ही जाएंगे, हाय हाय हाय, कठी गई जुदाई भी, ऐसा नहीं कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए, जिंदगियां गुजर जाती हैं। ये तो 6 माह की बात करें, 6 माह भी गुजर जाएंगे। क्या समझता है इसाकदार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम तो डिफॉल्ट कर गए शाबाश, हम विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है क्यों ये कहता है रीस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अब आप जा रहे हैं ढूंढ रहे हैं रीस्ट्रक्चर करो रीस्ट्रक्चर करो। देखिए सीधी सादी बात है, और क्या करेगा, $1,00,000 से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक, अब वो आके उसको $2,00,000 किया है। $2,00,000 जब आपके इंपोर्ट 27 बिलियन हो रहे हैं भाई, बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? जॉब्स कर रहे हैं हमें वहां पे, जो कहते हैं कि जो सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वहां पे हमें क्यों नहीं जॉब्स दे देते? आप यहाँ पे जो जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ पे जी पढ़ने गए ना चाइना, उनसे उनको वर्क अलाउ नहीं करते वहाँ पे? वही मैं कह रहा हूँ, वीजा पे स्टडी वीजा पे आपको वर्क अलाउ नहीं करते चाइना, और वो वहाँ पे आके काम। मसला पता क्या है, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी है ना। अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी दो एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है? ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जो सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं, ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं करवा सकते, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। बोला कि अपने किसी भी इंसान को देखना तो देखना चाहिए उसके हमसाए के साथ, नेबर के साथ रिलेशन कैसे हैं। आपने बात की इंडिया की असली दुश्मन है, वो आपने किस कंसेप्ट के साथ बोला? असली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटेलिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आजादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे असली दुश्मन वाली बनी हुई है। लेकिन अगर हम आवाम का फायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदीया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं जो असली दुश्मन थे। तुर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी, दुबई अपने पैसे अलग रखेगा, देन हमारी आवाम तक वो चीज पहुंचेगी। अगर वही चीज डायरेक्ट आए तो उसका फायदा ये होगा कि आवाम को फायदा होगा। आवाम को फायदा होगा तो दुबई या UAE जाती है, वहां क्यों जाती है? क्या मुसलमान होकर वापस आती है? पेट्रोल जाए या कोई गंदम जाए या कोई भी व्हाटएवर मेडिसिन की ज्यादा? ये तो हमारे जो इक्तदार में लोग बैठे हैं ना, उससे पूछना चाहिए
कि ये वहां पे जाके हमारे पास आ रही है तो हमें इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हमको अपनी पॉलिसियां बदलनी चाहिए। जब हमारी तरजीह, जब हमारी प्रायोरिटी होगी अवाम, तो देन ही कुछ पॉलिसी बन सकती है, अदरवाइज मेरा ख्याल। उसके बाद आप ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास $660 बिलियन के रिजर्व पड़े हैं और हम $1 अरब के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि जी बुनियादी वजह क्या है, हमारी पॉलिसियां हैं। अभी इंडिया की अगर आपने बात की उसके साथ, तो शायद हमारा एक और बात, एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं, बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में जी कर दिया। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, रशिया के 6 टुकड़े हुए, बिल्कुल। फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही, कौन करवा रहा है? वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनके जी नफरत है, उनके दिल में गुस्सा है कि उनकी अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने सुना होगा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई जी। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है और जी बांग्लादेश जी इस तरह है भाई, अपने उनके साथ किया क्या है? अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या है? चीन हमारा हमसाया है। मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। जबरदस्त, ये बड़ा इंटरनेशनल डायलॉग है कि भाई रिलेशंस नहीं होते बल्कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, मफादात होते हैं। यही बात है, चीन को हम अपना दोस्त समझते हैं। मुझे बताएं अब ये सी पैक या जितने भी चीन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितने प्रोजेक्ट है, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने रोजगार दिया है? सब चीन से आए हैं। ऐसे ही है, और अभी यहाँ पे रोजगार की इतनी किल्लत है कि यहाँ से लोग बाहर जाते मार रहे हैं अपनी जाने दे रहे हैं, आपने शायद खबर सुनी हो। मैं बेसिकली फ्रॉम लिया से हूँ। अच्छा अच्छा, लिया में वहाँ पे हमारे एक चाइना ने एक प्लांट लगाया हुआ है सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा। अच्छा, कोई एक जिला लैया का बाशिंदा उसमें उन्होंने रोजगार पे नहीं रखा हुआ। मुझे ये बता दें हमें क्या फायदा मिल रहा है? यानी चाइनीज आगे यहाँ पे जॉब ही कह सकते हैं ना, चाहे वो जॉब कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट लेकर, वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ से बाहर के कंट्रीज में जाने के चक्रों में जाने दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे चाइनीज अपना एम्बेसीज में जरा ये अपना सर्वे करें। ठीक है, 27 मुल्क हैं यूरोप के। ठीक है, किसी एक में आपको 3 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मुझे बताया यहाँ के सारा पढ़ा लिखा तबका बाहर जाने की अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा 3 महीने के बाद। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है बड़ा, देखिए इनसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। ये वो लोग हैं जो वाकई रियलिटी जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ हाउ नो रखते हैं। मुझे ये बताएं चाइना क्यों नहीं हमें जॉब प्रोवाइड कर देता? क्या मतलब हमारे यहाँ पे आके एक गरीब कंट्री में, एक वो कंट्री जो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, खबरें आती हैं वहाँ पे आके चाइनीज अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जो कहते हैं कि जो सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वहां पे हमें क्यों नहीं जॉब दे देते? आप यहाँ पे जो जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ पे जी पढ़ने गए ना चाइना, उनसे उनको वर्क अलाउ नहीं करते वहाँ पे? वही मैं कह रहा हूँ, वीजा पे स्टडी वीजा पे आपको वर्क अलाउ नहीं करते चाइना, और वो वहाँ पे आके काम। मसला पता क्या है? तरजीहात का फर्क है, उनकी तरजीह है अपनी आवाम, हमारी तरजीह है जेब भरना। ठीक हो गया। तो भाई ये थे राय जो पाकिस्तानियों की थी। देखिए जो सबसे जबरदस्त बात बोलती है वो इस लड़के ने ये बोलती है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी वहां पर विदेश के लिए बैठे हुए हैं राजनायक वगैरह, तो उनके लिए 3 महीने का टाइम लगा हुआ, क्योंकि जिसकी मेंटेलिटी अच्छी है उसको पता है कि भाई पाकिस्तान में रहकर तेरा काम नहीं चलने वाला, तेरी कोई यहाँ पर सुनेगा नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ जो हुक्मरान है उनकी मर्जी से होता है, आप वहाँ पर अपना कुछ बिजनेस नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा वो अपने माइंड को वहाँ लगाए, तो इससे अच्छा वो सोचता है भाई यहाँ से निकल ले, दूसरे देश में निकल के अपना काम काज कर ले। क्योंकि आप लोगों ने देखो वीडियो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पर उसने बोला कि भाई जिहाद तो हमारा हक है, तो इस मेंटेलिटी के लोग ही पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और रहेंगे। जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, काफी अच्छे आते हैं भाई इंटरव्यूज में, शोएब भाई जो लेकर आते हैं, तो वो सभी के सभी आज नहीं तो कल भाई पाकिस्तान से बाहर फुर चले जाते हैं। आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।